Cardamom, the queen of all spices, has a history as old as human race. Human race यानी मानव जाति में जाति जब से शुरू है उसका हिस्ट्री जितना पुराना है उतना ही कार्डमम पुराना है, मतलब बहुत ही पहले से ये पूरे हो ह्यूमन रेस का शुरुआत से लेकर कार्डमम बहुत ही अच्छा एक स्पाइस मानता है, स्पाइसेस का क्वीन मानता है. इट इज़ द ड्राइड फ्रूट ऑफ अ हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट. वो एक ड्राइड फ्रूट है किसका, हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट. पेरिनियल मीन्स सालों तक रहने वाला, मीन्स आपने बाइनियल पेरिनियल ऐसा वर्ड्स पढ़े होंगे. बाइनियल मीन्स दो साल में बढ़कर ख़त्म हो जाए, मर जाए, मतलब सूख जाए, ऐसा वाला प्लांट्स. पेरिनियल प्लांट्स मतलब एक दो से ज़्यादा भी साल रहने वाले. सो हर्बेशियस यानी बहुत ही सॉफ्ट स्टेम वाला. वार्म क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट, ये झाड़ को बढ़ने के लिए वार्म ह्यूमिड थोड़ा गिल्लापन वाला क्लाइमेट चाहिए. लोमी सोइल चाहिए, मीन्स ऐसे चिकट जैसा स्टिकी स्टिकी थोड़ा सा काइंड ऑफ सोइल है, लोमी सोइल वो चाहिए. रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर हम ह्यूमस पढ़े हैं साइंस में, तो अच्छा से ह्यूमस भी चाहिए. डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, मीन्स एक ही साथ एकदम से रेनफॉल नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी फैला, थोड़े थोड़े अमाउंट में, बराबर प्रॉपर अमाउंट में मिलने वाला रेनफॉल चाहिए. स्पेशल कल्टिवेशन और प्रॉपर तरीके का स्पेशल काइंड ऑफ केयर करके कल्टिवेट करना चाहिए. एंड प्रोसेसिंग मेथड, उसको बराबर प्रोसेस, एक बार निकाल लिया है तो उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है अच्छा से ताकि वो काफ़ी टाइम तक रहे. ये सभी ऑल कंपेयर टू मेक इंडियन कार्डमम ट्रूली यूनिक इन एरोमा, फ्लेवर, साइज एंड इट हैज़ अ पैरेट ग्रीन कलर. तो ये जो पहले बताया गया हुआ ये सभी फैसिलिटीज़ की वजह से इंडियन कार्डमम, कार्डमम मीन्स इलायची, सचमुच में एक यूनिक बन जाता है यानी अनोखा है. उसका एरोमा, एरोमा यानी स्मेल, फ्लेवर यानी टेस्ट, साइज और ये सभी अनोखा है. और इट हैज अ पैरेट ग्रीन कलर, इसका कलर एक पैरेट ग्रीन कलर है. टू टाइप्स ऑफ कार्डमम आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. इंडिया में दो तरीके के कार्डमम बनता है. द फर्स्ट टाइप इज़ द लार्ज वन विच हैज़ नॉट मच इन significance yani importance as it is not traded in the international market. International market means bahar, India ke bahar ke market mein, world ke market mein isko zyada matlab ye trade hi nahi kiya jata, business iska hota hi nahi, iske liye iska itna importance nahi hai big wale ko. It is cultivated in northeastern area of the country. Aur ye hamare northeast side mein, desh ke northeast side mein means Assam waisa eastern side, north or east side ke area mein ye ugta hai. द सेकेंड टाइप इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सदर्न स्टेट्स. और दूसरा टाइप होता है वो साउथ स्टेट में उगाया जाता है. दिस आर ट्रेडेड इन द इंटरनेशनल मार्केट. और ये इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस इसका होता है. दिस आर मेनली कल्टिवेटेड इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. मेनली इसका झाड़ केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में लगाया जाता है. एज पर इंटरनेशनल मार्केट रूल्स, इंटरनेशनल मार्केट रूल के हिसाब से ओनली 7 मिलीमीटर क्वालिटी वॉज प्रीवियसली ट्रेडेड इन द एक्सचेंजेस. पहले जब एक्सचेंज में मतलब ये सामान यहाँ से एक्सपोर्ट करते वक्त इंटरनेशनल मार्केट रूल ऐसा था कि 7 मिलीमीटर क्वालिटी वाला ही ट्रेड के लिए यूज़ करते थे. बट लेटर इट रिलैक्स्ड इट्स नॉर्म्स. नॉर्म्स मीन्स यहाँ पर रूल्स, नियम. नियम में थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर लिया एंड नाउ 6 मिलीमीटर क्वालिटी इज़ ऑल्सो ट्रेडेड इन द एक्सचेंजेस. सो अभी 6 मिलीमीटर क्वालिटी भी ट्रेड में इंक्लूड किया है. स्पेशल टू इंडियन टेस्ट बड्स. इंडियन टेस्ट बड मीन्स इंडियन पीपल के टेस्ट. टेस्ट बड एक्चुअली छोटे छोटे बड्स होते हैं हमारे टंग में, उसको कहते हैं. वो टेस्ट बड्स ही हमें चीज़ों के टेस्ट बताते हैं. सो इंडियन लोगों के टेस्ट बड्स के स्पेशलिटी के हिसाब से कार्डमम इज़ नॉट ओनली यूनिक टू आवर लैंड. कार्डमम सिर्फ हमारे देश के यूनिक प्रोडक्शन ही नहीं सिर्फ, बट ऑल्सो टू आवर सेंसस. हमारे सेंसस यानी हमारे विवेक, हमारे नॉलेज, उसके लिए भी वो, हमारे जो जानकारी उसके लिए भी यूनिक है. द एडिशन ऑफ दिस फ्रैग्रेंट मीन्स खुशबू वाला स्पाइस. ये खुशबू वाला स्पाइस, ये कार्डमम, ये इलायची कोई चीज़ में ऐड किए तो कैन ऐड लेयर्स ऑफ टेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टेस्ट आपके चीज़ों में, जैसे कि योर टी फूड एंड ओवरऑल डाइनिंग एक्सपीरियंस. यानी जो कोई भी चीज़ें हम खाने के लिए हमारे डाइनिंग टेबल में हम रखते हैं उसमें सब
ऑलमोस्ट सभी चीज़ में इलायची अपना एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ टेस्ट ऐड करते हैं. द स्मॉल वराइटी इज नॉन फॉर इट्स एक्सोटिक क्वालिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड. एक्सोटिक क्वालिटी मीन्स एक विदेशी क्वालिटी वो पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड ये दिखाते हैं, या इट इज़ वेरी फेमस फॉर दैट. ट्रेडिशनल ऑक्शन मार्केट, और ऑक्शन क्या होता है, जैसा नीलामी होती है ना, नीलामी को ऑक्शन कहते हैं. तो मार्केट में ये जमा करने के बाद ऑक्शन लगाते हैं या नीलामी करते हैं, तो ऑल्सो एक्सिस्ट फॉर ट्रेडिंग इन स्मॉल कार्डमम इन द कंट्री. हमारे देश में कार्डमम का जो बिजनेस के लिए मार्केट में ऑक्शन भी करते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड मीन्स पहले से वो मेथड यूज़ किया करते हैं.